क्यों मायूस हो इतना? हाँ शिवम, एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज कर, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ऐसे नहीं होगी बॉडी। ये जो कुछ कर नहीं सकते वो बोलते हैं। अरे उड़ गई वो कोयल, उड़ गई क्या, खा गए कोई? दोनों में से एक काम तो हुआ होगा। पेट बराबर लग रहा है। पांडे जी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है, गला खा, फिट हो आज? आज मतलब 3 भटूरे खा सकते हो? भटूरे तो मैं कितने भी खा सकता हूँ, भटूरे से थोड़ा वो है, स्वाद ही नहीं आ रहा कोई। दादाजी इसके मतलब वॉर में नहीं डरे वहाँ जाके, मतलब 1971 की वॉर में गोलियों से नहीं डरे, वेटरन से कान के इधर से गोली गई थी। लेकिन एक बार ये उनको लेने के लिए गया तो इसके बाबू कहते कि आज के बाद तू मुझे लेने खौफ देख रहे हो, गोलियों से ज्यादा खौफ है इसकी। ड्राइविंग रास्ते कुछ बोले नहीं, मुझे लगा बढ़िया मैं एंजॉय कर रहे हैं, उतरने के बाद रंग बदल लिया फाइटर हो भाई पूरे। देख अगर पूरा रास्ते बोलते तो तू भाई और कौन वो है था कॉन्शियस, तू पता नहीं कहा ही मिला देता गाड़ी। अभी दिल्ली में स्कूटी ली थी ना, बता दे मुझे कहता कि मुझे चलाने दे, मुझे इसके दादा वाली बात याद आ गई, मैं सभी दे रहा हूँ, सभी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जाके फिर मैंने कहाँ जाके ली थी स्कूटी चलाने के लिए, किलोमीटर मैंने मैंने पीछे से पकड़ लिया, मैं बेटा कहीं भी जा सकते हैं। हमने मतलब उसमें गूगल मैप में देखा डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर का ट्रैवल, हमने 55 किलोमीटर में किया उसे। कैसे? ये भाई साहब गूगल मैप ऐसे खोल के बैठे हैं और वो तीर ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब पीछे बैठे मेरे, मैं कह रहा हूँ पांडे बता कहाँ पे है, बस ये गोल चक्कर पे, अगले मोड़ पे पूरा गोल चक्कर के। अच्छा वो ऐसे घूम रहा होगा ना, गोल चक्कर के 2 चक्कर निकलवा दिए, चक्कर आया ऐसे चक्कर का घूम 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 घूमते हुए फिर भैया कहता ये तो वहीं आ गए, इससे चक्कर भी इतने बड़े होते हैं। मैं कहा भाई कहाँ घुमाई जा रहा है, अबे इसके भी तो साले के, कहता चल इंडिया गेट देखते हैं, साकेत तो जाते रहते हैं, इंडिया गेट देखेंगे भाई अपने। अरे भैया क्या हाल है? ठीक हो भैया? बढ़िया भैया, पहचान गए हैं। आज ज़्यादा पानी नहीं, इस पे पैर रख के आ जाओ, वो यहाँ पे पैर ध्यान से रखना, खाई है पांडे क्या कह रहा था 1000 रुपये और लगे वाटर प्रूफ ले रहे थे जूते। तो आज फाइनली हम लोग अब वापस जा रहे हैं, चाय वाय पी के आगे जाने का प्लान था, लेकिन गर्मी इतनी हो गई कि आगे जाने का मन ही नहीं किया। फिर देख रहे हैं AC लगा दिया इन्होंने, हमारी बारी में पसीना बहता था, पंखा भी नहीं चलता था साला ठीक से, लाइट गई रहती थी। ये सब कुछ स्कूल से निकलने के बाद ही की होता है हर किसी के साथ, स्कूल ऐसा घास लगा दी है ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम नहीं सॉरी ग्राउंड में, ग्राउंड में घास लगा दी है, बैठने के लिए वो पत्थर नहीं है घास है। हम तो गरम उस पर जमीन में बैठते थे कपड़े झाड़ते टाइम। When your shadow is longer than you, then winter is here. Winter is coming. Winter is coming, yes, not here. ठीक है ब्रो, see you in the evening. So guys, back home, और अब रात के जो है 9:30 बजने वाले हैं, आई थिंक हाँ 9:30 बजने वाले हैं। सुबह से शाम तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, शाम को मैं घूमने भी गया था, खैर पार्क में गया था, बट ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और दिन के अंदर आज इतना ज़्यादा काम था क्योंकि मेरे को एक जो है आज प्रॉपर फोटो बेसिक्स की प्लानिंग करनी है वीडियोज़ की, कि आने वाले टाइम में मैं क्या क्या वीडियोज़ कि आने वाले टाइम में मैं क्या क्या वीडियोस डालने वाला हूँ। तो उसके लिए ना कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या चीज़ लोग ज़रा ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ हाल ही में। और एक नया मैंने टूल भी डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवर तो पहले कर लिया था लेकिन जो उसका पेड वर्जन है ना उसको इस्तेमाल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। टूल का नाम है vidIQ, जो कि बेसिकली आपकी जो जो यूट्यूब है ना उससे रिलेटेड ही है, मतलब यूट्यूब एनालिटिक्स से रिलेटेड, कि यूट्यूब पर जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है और आपको बता देता है कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके टूल के अंदर ही, अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग टॉपिक है वो। सो बस उसी के ऊपर ही मैं काम कर रहा था, उस टूल को अच्छे से चलाना कैसे है वो भी सीख रहा था, क्योंकि जो फ्री वाला वर्जन है ना उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। तो अभी पेड वाला जो है वो मुझे पड़ेगा तकरीबन 1900 रुपये पर मंथ का, इतनी इन्वेस्टमेंट आई थिंक ज़रूरी है अगर ठीक से चैनल चलाना है तो, क्योंकि फ्री वाले में उतनी ज़्यादा कंटेंट रिसर्च पॉसिबल है नहीं है। और वही बात है कि अगर आपको पता नहीं होगा कि इतने कंपटीशन में दुनिया क्या ढूंढ रही है सब पे, अंधेरे में तीर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो। अगर मेहनत कर ही रहा हूँ तो फिर सही डायरेक्शन में करूँ वो ज़्यादा बेटर है। एनीवेज़ आज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर भी दी है कैनवा के ऊपर, और मैं ना सोच रहा हूँ कि फोटो बेसिक्स के ऊपर ना कैनवा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ,
क्योंकि ये मुझे हाल ही में पता लगा कि बहुत सारे लोग कैनवा के अंदर इंटरेस्टेड है बट हिंदी के अंदर जो कंटेंट है ना वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और मैं कैनवा को 2016 से यूज़ कर रहा हूँ अपने मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, और मतलब प्रो तो नहीं कह सकते, लगभग हर चीज़ पता है मुझे कैनवा के बारे में। कैनवा में अभी तक जितने भी अपडेट्स आए हैं ना वो सारे देखे हैं मैंने अभी तक के। सो मैं वही सोच रहा हूँ कि कैनवा के अंदर ना मैं एक सीरीज़ बना दूँ, प्लेलिस्ट बना दूँ, जिसमें हर तरह के वीडियोस हों, जैसे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, फोटोग्राफी एडिट, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, बैनर से रिलेटेड, तो मतलब ताकि वो एक प्लेलिस्ट पे कोई भी आए ना बंदा तो उसको सारी की सारी वीडियोस एक जगह पर देखने को मिल जाए, बेसिकली एक फ्री कोर्स हो जाएगा जो कि यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। तो वही प्लान किया है, उसके लिए मैंने 5 वीडियोस प्लान करी हैं, आज एक रिकॉर्ड करी है, कल रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करता रहूँगा, नए नए टॉपिक्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे। और एक चीज़ मैंने हाल ही में एक किताब से डिस्कवर करी थी, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने किसी से सुना था, किसी ने उस किताब को पढ़ा था और उन्होंने उस किताब के थ्रू बताया था कि उसमें क्या लिखा गया। तो हम लोग जब भी कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे अपना अपने थॉट्स बता रहा हूँ मैं, कि जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ ना तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जो मुझे आता है ना उससे एडवांस वर्जन सीखकर मैं लोगों को सिखाऊं। बट एक्चुअल में इसका रिवर्स करना चाहिए, जो मुझे आता है ना उसका बेसिक वर्जन बिल्कुल आसानी से कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो मुझे आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोगों को वो चीज़ आती होगी। तो जो मुझे ऑलरेडी चीज़ आती है, जिसमें मैंने ऑलरेडी मास्टरी कर रखी है, उस चीज़ को कैसे मैं आसान भाषा में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं जो कि ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाए, तो कुछ उसके ऊपर कंटेंट बनाना चाहिए। और जब से मैंने कुछ पिछले दिनों में कंटेंट उस चीज़ के ऊपर बनाना शुरू किया है, फोटो बेसिक्स वाले उस चैनल के ऊपर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा ऑडियंस तक वीडियोज़ जो है वो पहुँच रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी जो टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ ये इसी तरह से आगे चलती रहे। आई एम सुपर हैप्पी अबाउट ओनली वन थिंग, कि इस YouTube की जर्नी के दौरान ना मुझे बहुत सी चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही है, और जिस टाइम पर मुझे लगता है कि मुझे अब आ गया है तभी कुछ नया टॉपिक निकल कर आता है, और फिर अचानक से बहुत सारे नए टॉपिक्स और खुल जाते हैं और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो कि मेरे लिए शायद एक अच्छी चीज़ है लंबे समय तक इस चीज़ को रन करने के लिए। अरे मैं वो वीडियो बना रहा है ना तो शोर होगा है, और अब चाबी चला चला के फेंक के नकल कर रहे हैं। देखो मित्रों ये वस्त्र उठाए जा रहे हैं, कहाँ रखूं? वॉशिंग मशीन में धोने भी हैं? नहीं जेब बना दी तू वीडियो बन गई उनका। आजकल मैं किसी की वीडियो नहीं काट रहा। डाल दूं क्या वीडियो? पापा ही कट करोगे? डाल दूं जो आप बोलोगे।